हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं टैरो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ मार्च 2024। इन प्रेडिक्शंस के दौरान मैं आपको मदद करूँगी अपने मंथ को कैसे बेटर बनाना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऐसे राज है जो खुलेंगे आप सबके सामने, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप फॉलो करके अपने महीने को और बेटर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना 2024। नंबर फोर, ये महीना आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, जहां पे आपके काम के अंदर सक्सेस, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है। देर आर चांसेस कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। नंबर फोर, इस महीने आपने जो ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिजिडिटी के ऊपर। आप जितना रिजिड होंगे उतने ही आपके काम खराब हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को मना मत करिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना मत करिए, क्योंकि पता नहीं यही अपॉर्चुनिटी क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। तो इस महीने आपके पास चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे किसी भी तरीके की सक्सेस ऑफर आपके पास आए तो आप उसको डिनाई मत करें। ये मत सोचे कि आपका ये काम अगर हो रहा है कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो मैं इतनी छोटी ही डील क्यों लूं। कई बार छोटी डील्स ही आगे बड़ी डील्स को या कामयाबी पर लेके जाती है। तो इसी एस्पेक्ट के ऊपर आपने इस महीने ध्यान रखना है कि आप किसी के सामने अगर कोई पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ये मत समझिए कि ये छोटा है या बड़ा। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपका फायदा हो रहा हो उसको तोले मत, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये समझ रखें कि आज आपका पहला कदम ही आपको आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। नंबर फोर, जितना हो सके अपना हार्डवर्क डालें, अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करें। सिर्फ ये मत समझिए ये तो मुझे आता है, ये काम तो हो जाएगा, तो आप अपने एफर्ट्स को वहाँ पे छोड़ दें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आई है तो आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, जितना हो सकता है अपना एफर्ट डालें, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। नंबर फोर, आपने जो ध्यान रखना है इस महीने, आपने किसी से भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कन्विंस्ड नहीं हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, या आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से इतना कन्विंस नहीं होते हैं, तो फिर भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बचे। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए रिजिड ना हो जाए, फर्म मत हो जाए कि हाँ मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ, बिना इसके कि काम नहीं बनेगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रख सकते हैं तो ऐसा रखेंगे एटीट्यूड तो आपका ही नुकसान है। नंबर फोर, एक छोटा सा उपाय जिससे आपका भी भला हो और औरों का भी, इस उपाय को जरूर करिएगा। आपके अगर घर के आसपास या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर आपका आपकी मदद करता है, या फिर आपके आसपास नेबरहुड में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय है एग्जाम्स का या नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप छोटे बच्चों को हेल्प करें, चाहे उनकी ट्यूशंस लगा के दें, चाहे किसी एक बच्चे को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, एडमिशन करा दें किसी का स्कूल के अंदर, एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन अगर आप कर सकें नीडी लोगों के लिए तो ज़रूर करें। थैंक यू।